को इनके स्टाफ से मिलाता हूँ, 242, ठीक है ना। बाकी मेरे किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि भाई वो हमारे यहाँ पे आएं, बिल्कुल वो सेवा का लाभ उठाएं। नमस्कार सभी किसान भाइयों, तो आज सभी किसान भाइयों के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपके लिए बहुत ही अच्छी कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो जैसे सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ सहारनपुर के अंदर पवन एजेंसी पर। तो ये पवन एजेंसी है आयसर की। देखो, आयस एजेंसी लेना और उसको रखना एक अलग बात है, लेकिन उसको मेंटेन करना तो वो बहुत ही अलग बात है। तो आप पहले एजेंसी का थोड़ा सा वॉकराउंड देखिए, फिर मैं आपको यहाँ का बिल्कुल प्रॉपर पता बताऊँगा। तो जैसा आप देख सकते हो अभी भी डीलिंग चल रही है, इधर से देख सकते हो, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं एजेंसी की, तो इनके पास अभी भी कितने मॉडल खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हो यहाँ की सुंदरता भी इन्होंने बिल्कुल मेंटेन की हुई है। और इनके आपको मैं वर्कशॉप भी दिखाऊंगा, यहाँ के जो इनके वर्कर्स हैं उनसे भी बात कराऊंगा आपको, ठीक है ना। इधर देख सकते हो, और सामने इधर देख सकते हो आप रिसेप्शन रूम है, और इधर इनका मैनेजर का और गेस्ट रूम है, ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। अब आप देख सकते हो जो यहाँ पर एजेंसी है पवन एजेंसी, उन पर एक हमारे जो यहाँ पे देख रेख करते हैं पूरी एजेंसी को संभालते हैं, तो आज उनसे बात करते हैं, उनसे कुछ सलाह लेंगे और उनके बारे में पूछेंगे एजेंसी किस हिसाब से चलाते हैं। तो सर जी आपका सबसे पहले स्वागत है। सर जी अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम राजेश जोहरी। राजेश जोहरी जी, मैं पवन एजेंसी आयसर ट्रैक्टर एजेंसी का सुपरवाइजर। ठीक है सर। तो सर आपकी एजेंसी जो पड़ेगी लोकल में आने के लिए किसान के लिए, सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा होगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा मित्र आपने जी। देहरादून रोड पे जब हम आ गए जी, देहरादून रोड पे हमें जनता रोड पे चलने के लिए जी माइक का चौक आना है जी, माइक का जनता रोड पे चढ़िए, जनता रोड, जनता रोड वो जनता रोड है जी, जो माँ शाकुंभरी के दर्शन भी कराती है, जो माँ शाकुंभरी रोड पे चलकर जी हरेटी ब्लॉक के पास ये पवन एजेंसी है। पवन एजेंसी का बहुत आसान रास्ता है, कहीं कोई किसी को परेशानी नहीं होगी जी। ये रोड जो आ रहा है इधर से, ये बता सकते हो आप कौन सा रोड है ये अपना? ये जनता रोड है, जनता रोड। और ये जा रहा है उधर शाकुंभरी देवी चला जाएगा, ये शाकुंभरी देवी जा रहा है इधर, ठीक है ठीक है। और उसके बिल्कुल हम इधर से जाते हुए अपने एजेंसी की तरफ जा सकते हैं। तो एजेंसी जो पड़ती है सर मुझे साथ ही साथ चलते रहे, बताइए रास्ता कौन सा एजेंसी का? अनादित्य बिहार कॉलोनी है, अनादित्य बिहार कॉलोनी है जी। और आयसर ट्रैक्टर एजेंसी पवन एजेंसी का नाम से ये एजेंसी है जी, जो जिसके प्रबंधक हमारे कुलबीर सिंह राणा हैं जी, और मैं स्वयं भी देख रेख कर रहा हूँ जी, मेरे साथ स्टाफ है जी, स्टाफ के सभी कार्य बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी एजेंसी बहुत ज्यादा मेंटेन है, बहुत अच्छी आपने एजेंसी को मेंटेन रखा हुआ है जी जी। इस एजेंसी में अगर मैं बात करता हूँ, इतनी मेंटेन रखने के लिए आपका सबसे बड़ा योगदान होगा मैं मानता हूँ। तो सर जैसा हमारे कोई मतलब कस्टमर आता है, उसके साथ अगर ट्रैक्टर आपका किसी भी तरह से लेन देन है, तो उसमें आप किस हद तक उससे डील करते हो जो उससे संतुष्टि मिलती है जी जी। तो सर मुझे अपनी एजेंसी के बारे में बताइए और अपनी एजेंसी का वो ग्राउंड दीजिए। ये हम पवन एजेंसी के बिल्कुल गेट पर आ गए हैं, ठीक है। हमारे सामने जनता रोड है, जनता रोड से हमें आने में मुश्किल से एक मिनट लगता है जी जी, कोई 200 मीटर के आसपास होगा, 200 मीटर के लगभग है जी। यहाँ तक आने में किसी भी किसान को कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी तरह से अपना रास्ता पूरा कर सकता है। ठीक है सर, आइए एक बार अंदर से देखते हैं आपकी एजेंसी को। तो अभी किसान भाइयों मैं आपको पवन एजेंसी की आपको वर्कशॉप दिखाता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हो उस रोड से हम आएंगे, एजेंसी तो धरती आपको मैंने दिखाई है, यहाँ देख सकते हो वर्कशॉप है। तो ये देख सकते हो मिस्त्री है जो इंजीनियर साहब हैं इनके, और वे भी आए हैं एजेंसी की तरफ से। तो आज मैं एक बार इनका वॉकराउंड देता हूँ। तो अभी भी यहाँ पे दो ट्रैक्टर आपके वर्किंग के लिए खड़े हुए हैं। तो जैसे देख सकते हो आयसर 312 खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो मिस्त्री साहब से बात करते हैं। मिस्त्री साहब नमस्कार। सर जी नाम क्या है अपना? राजकुमार सर जी। सर जी कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? एक साल हो गया लगभग। और ट्रैक्टर्स के वो कब से देख रहे हैं, ट्रैक्टर्स में कब से काम कर रहे हो? 15 साल, ठीक है सर। सर मैं पूछना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए, जैसा आयसर का कोई भी ब्रांड है, अगर कोई उसमें सर्विस होती है तो क्या उसकी सर्विस का सारा पार्ट्स अवेलेबल होता है अपने पास? और किसी भी ऐसे कोई भगवान ना करे मेजर प्रॉब्लम हो जाती है ट्रैक्टर के अंदर, तो उसका सामान आने में एजेंसी कितना लंबा समय लेती है? दो दिन में जब कुछ भी पार्ट्स हो आ जाएगा अपने पास, ठीक है। ये दूसरे इंजीनियर साहब आ गए, मिस्त्री साहब। तो मिस्त्री साहब का नाम क्या है? महबूब महबूब है।
तो सर आपको कितना लंबा समय हुआ ट्रैक्टर इंडस्ट्री से जुड़े हुए, ट्रैक्टर को सही करते हुए, ट्रैक्टर को सर्विस देते हुए? हैं जी 30 साल। तो बहुत लंबा समय हो गया सर। मुझे आप बताइए, आपने अभी तक जो यहाँ आयसर की एजेंसी है, जो भी मॉडल आता है आयसर का, उसका सर्विस का पार्ट्स तो सारे अवेलेबल होते होंगे? और जैसे मैंने इन वाली मिस्त्री साहब से पूछा था, तो अगर कोई ट्रैक्टर में मेजर प्रॉब्लम आती है, भगवान ना करे, उसका पार्ट्स आने में कितना लंबा? 24 घंटे के अंदर। तो 2 से 3 दिन मान सकते हैं मैक्सिमम? ठीक है। और लगभग मैं जानना चाहता हूँ जो हमारे ट्रैक्टर्स का सर्विस का चार्ज है, तो उसमें हमारी एजेंसी पवन एजेंसी जो है वो मिनिमम चार्ज करती है, मैक्सिमम चार्ज करती है? मिनिमम चार्ज करती है, कस्टमर से जुड़े रहना। तो जो ट्रैक्टर्स यहाँ से खरीदते हो उन्हीं को अच्छी सर्विस देते हो, या आपका बाहर का भी आयसर का आएगा? बाहर के वाले को जाएगा ताकि वो हमारे से जुड़ सके। ठीक है सर, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप बाहर वाले को रिलेशन को ज़्यादा संबंध होंगे तो वो आपसे ज़्यादा लंबे तक जुड़ेगा। ऑयल फिल्टर वगैरह, ठीक है ना, और एक रूम से इनका उधर है। ठीक है, तो ट्रैक्टर देख सकते हो पूरा खोला। इस ट्रैक्टर में सर क्या कर रहे हो? इसका गियर नहीं पड़ रहे थे। अच्छा, पीटीओ गियर नहीं चल रहे थे। लगभग ये जो मॉडल है 2 सिलेंडर है और 30 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है। ठीक है, इसका सर सामान सारा अवेलेबल है, मंगाया है? नहीं सारा सामान। इसका इस ट्रैक्टर का भी अवेलेबल है? सर बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बन रहा है। ये सर दोबारा वो हुआ ना, कंपनी ने लॉन्च किया अभी? ठीक है सर, और देखो कितनी अच्छी जानकारी दी है। तो अब हम इनका स्टॉक बता देता हूँ। तो जो यहाँ का लोकल एरिया है सहारनपुर का, वहाँ पर जो आयसर की डिमांड है, वो ट्रैक्टर यहाँ पर हर टाइम अवेलेबल होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ की जो पाइपलाइन में लगभग 20 ट्रैक्टर हमेशा अवेलेबल होते हैं, जो रास्ते में आते होते हैं और जो उनको डिलीवरी देनी होती है। देख सकते हैं 551 खड़ा है आयसर का, जो कि टॉप मॉडल ट्रैक्टर है, और 485 खड़ा हुआ है, और 380 है, और बगल में खड़ा हुआ है उधर 242। ठीक है ना, अभी मैं आपको इनके स्टाफ से मिलाता हूँ, जो कि इनका रिसेप्शन एरिया है, और रिसेप्शन रूम में चलते हैं, इधर से देख लेते हैं हम एक बार। तो सर जी, सबसे पहले आपको नमस्कार जी, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से। तो सर आप देख सकते हो इधर बैठे हैं अभिषेक सर, आपका यहाँ पर कार्यभार क्या है सर, बताइए अपने बारे में। देखिए, हम यहाँ पे सर्विस का डिपार्टमेंट देखते हैं। सर्विस का डिपार्टमेंट देखते हो आप? ठीक है सर, और इधर बैठे हैं सर, अपना बताइए सर। मेरा नाम राजेश धोनी जी, मैं आदरणीय कुलभूषण राणा के मार्गदर्शन में जी जी। ठीक है सर, और इधर से देख सकते हो यहाँ पर जितने भी कुछ देख रेख होती है वो ज़्यादातर अभिषेक सर और कुलबीर सिंह सर जी के साथ होती है। अभी हम बात कर लेते हैं जो यहाँ की एजेंसी है उसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, जो कोई भी चीज़ होती है उसकी खूबसूरती के पीछे किसी न किसी शख्स का हाथ होता है, तो उनसे बात करते हैं, जो कि कुलबीर सिंह राणा जी है। सर जी नमस्कार। तो जैसे देख सकते हो आप, हमारे डीलरशिप साहब है। सर जी, सबसे पहले आपका वेलकम है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर, दर्शक आपको देख रहे हैं। तो सर अपने इस बारे में बताइए सर, अपनी एजेंसी कब से आपके पास? 2 वर्ष आपके पास है। तो सर जैसा आप बता सकते हो हमारे दर्शकों को, यहाँ की मुझे जो एजेंसी का पता बताया था, एक किसी किसान के थ्रू पता चला था, तो यहाँ की आपकी नेचर को और आपकी एजेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा उन्होंने तारीफ की थी, उसके लिए मैं आपको वीडियो बनाना आया हूँ। तो जैसे इधर भैया बैठे हैं छोटू, ये सर आपके सन है ना, तो ये डीलरशिप है और इनके पास कुलवीर सिंह है और इनके छोटे वाले लड़के बड़े हैं, बड़े बेटे हैं, तो ये यहाँ पे इनके कार्यभार है। और सर आप मुझे बता सकते हो, जो यहाँ पे अपना ट्रैक्टर को कोई किसान बुक करता है, तो सर उसको कितने दिन में ट्रैक्टर को प्रोवाइड करा देते हो सर आप? वैसे तो जो मॉडल यहाँ चलते हैं वो हमारे पास उपलब्ध रहते हैं पहले हर टाइम। जी, ठीक है सर, बहुत सा किसान बहुत दूर से आता है ट्रैक्टर लेने, वो बार बार सर्विस कराने एजेंसी पर नहीं आ सकता, तो सर उसके लिए कुछ सुविधा रखी? उसके लिए हमने घर पे सर्विस का सुविधा कंपनी तरफ से करी हुई है। यहाँ से वो के किसान अगर अपने खेत में या घर में जहाँ भी जाएगा उसको सर्विस देते हैं। जी सर, यहाँ पर हमारी जो है सर्विस बाइक है, उसको लेकर सर्विस बाइक भी है, सर्विस बाइक भी जैसा भी होता है तो मैकेनिक देखे। ठीक है सर, दो दिन के अंदर? ठीक है सर। सर मुझे बताइए, जैसे आप किसान की तो सेवा कर रहे हो सर, आपको कार्यभार और क्या क्या चीज़, आप किस किस हिसाब से, आप किस किस डिपार्टमेंट में आप सेवा करते हो? समाज सेवा या समाज में व्यक्ति है और राजनीति में भी है। राजनीति में भी हो? जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी सर, मैं ब्लॉक प्रमुख। ठीक है सर, ठीक है सर।
सर आपका भी नमस्कार सर जी। तो जैसा आप देख सकते हो पापा की देखरेख में आप यहाँ के कारोबार देखते हो, तो आपको सर आपको कितनी समस्याएं आती है या कितना अच्छा लगता है जो किसानों की सेवा करनी होती है आपको, तो सर आप उनके लिए हर टाइम तत्पर तैयार रहते हो अपनी एजेंसी पे, ठीक है ना सर। तो जैसे हम बात कर रहे हैं इस ट्रैक्टर की एजेंसी की, तो सर आप भी उतने लंबे समय से पापा के साथ साथ कार्य देख रहे हो या अभी से अभी पढ़ाई कंटिन्यू है? तो ये सर बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ आप किसानों की भी सेवा कर रहे हो। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इतना टाइम दिया, थैंक यू सर। तो जैसा आप देख सकते हो पवन एजेंसी का वातावरण कितना ज़बरदस्त है, इन्होंने एक मिनी वैन भी बना रखी है जो कि एडवर्टाइजमेंट के लिए है, और इधर देख सकते हो इधर इन्होंने वाटरफॉल, ठीक है ना, और कितनी अच्छी ग्रीनरी है। मैं सबसे ज़्यादा खुश इसलिए हुआ हूँ जो यहाँ का नेचर है, वातावरण है, ग्रीनरी है, उसको देखकर जब किसान यहाँ पर डील करने आता हो तो उसको कितना बेहतर लगता हो, यहाँ कितना अच्छा लगता हो बैठने के बाद। देख सकते हो कितना अच्छा मेंटेन कर रखा है, ठीक है ना। और जो यहाँ के अभिषेक शर्मा जी है जो मैनेजर है यहाँ के पूरे पवन एजेंसी के, उनसे हम बात करते हैं छोटी सी, आइए शुरुआत कर लेते हैं इनसे, अभिषेक सर से मिलते हैं। तो अभिषेक सर जी सबसे पहले दोबारा से आपको नमस्कार करता हूँ, आप भी। तो सर मुझे एक बात बताइए, इतनी अच्छी आपने ग्रीनरी मेंटेन कर रखी है सर, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो हरियाली होती है ये सबसे ज़्यादा नेचर को अट्रैक्ट करती है और किसानों के दिल को भी करती है। तो जैसे आप यहाँ के मैनेजर हो, आप सभी चीज़ को मैनेज करते हो, तो सर इसमें भी आपका योगदान है या सर इसके लिए कोई और ही बंदा है? नहीं सर, इसके लिए तो हमारे एमडी साहब हैं। अच्छा अच्छा जी। तो उनको मेन शौक है सर साफ सफाई का और व्यवस्था पूरी बना के रखने का जी, सिस्टम में जी, पूरा उन्हीं का ये सब जो आप देख रहे हैं इतना ग्रीनरी वगैरह है, इधर भी आप देखेंगे पीछे की साइड भी आप ले जाइए जी, तो पूरा जो मैनेज रखते हैं वही रखते हैं, ठीक है सर। तो मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा वो व्यवस्था रखते हैं, गाय गाय की सेवा का भी, जो किसान भाई आते हैं उनकी भी पूरी सेवा पानी की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। बाकी ग्रीनरी वगैरह आप देख रहे हैं तो सब उनका ही है साथ, ठीक है। और सर जैसे आप सर्विस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, उसमें भी आपका योगदान है? जी 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 बिल्कुल। तो कस्टमर से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, जो भी मैनेजमेंट है यहाँ का जी, मैं ही देखता हूँ, तो वैसे तो प्रमुख साहब हैंडल करते हैं जी जी, उनके बाद अगर है तो वही मैं देखता हूँ, बाकी सर्विस वगैरह सब चीज़ जो किसानों की समस्याएं जो भी जुड़ी हुई हैं उनका समाधान मेरे द्वारा होता है, ठीक है। सर एक चीज़ और जाननी थी जो मैंने अंदर भी वर्कशॉप में जानने की कोशिश की है, जैसे बहुत से डीलर, बहुत से किसान अपने यहाँ से ट्रैक्टर ना लेकर के, या पुराना जिसने पहले खरीद रहा, आपको 2 साल हो गए एजेंसी लिए, बहुत से 4 साल पहले 5 साल पहले ऐसा ले रखा हो, अगर वो यहाँ पे आपके ट्रैक्टर के पास यहाँ एजेंसी पर सर्विस कराना आता है अपने ट्रैक्टर को लेकर, तो उसके साथ कैसा बिहेव, कैसा आपका? नहीं देखिए, किसान तो स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए, जहाँ से भी वो ट्रैक्टर ले कोई समस्या नहीं है जी। बाकी हम लोग ये हैं कि उन्हें बेहतर से बेहतर सर्विस, हमारा काम है उन्हें देना जी। तो वो आए तो बिल्कुल सम्मान है उनका, उनको बेहतर सर्विस मिले, पूर्ण संतुष्टि मिलने की पूरी उम्मीद है ऐसे। देखिए ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कारण ये है किसी और के रिलेशन से हमारा बॉन्डेशन अच्छा होता है, हमारे लिए किसान मैटर करता है साहब, हमें पता है किसान को बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, अगर हमारे पास यहाँ कंपनी की जिम्मेदारी दी हुई है तो उसका काम करने की जिम्मेदारी हमारी है पूरी तरह से, ठीक है सर, बिल्कुल उनकी हर समस्या का समाधान अच्छे से किया जाए, ठीक है। बाकी मेरे किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि भाई वो हमारे यहाँ पे आएँ बिल्कुल, और सेवा का लाभ उठाएँ, हमारा व्यवहार में जो भी मतलब हम उनसे जैसे भी जुड़ सकें, जो भी हम उनकी सेवा कर सकें, वो बिल्कुल आएँ, निसंकोच हो, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू।